सुबह सुबह किसको मैसेज कर रही है? किसी को? मम, मैं तो वो कॉफी बना रही थी। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। शादी की बात शुरू हुई नहीं, बस शर्माना और छिपाना शुरू। क्रिश को ही मैसेज कर रही होगी, I'm sure. I love you, Siddharth. Come in. इधर रख दीजिए। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। मॉम, ये किसके लिए? सुंदर है ना? अब तुम्हारे लिए। आज शाम को पार्टी रखी है, कुछ खास मेहमान भी आ रहे हैं। अब वहां पर मेरी बेटी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए ना? मॉम, पर पार्टी क्यों? आई मीन आपकी तबीयत? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी तुझे खुश देखकर ना मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। खैर मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम शाम की सरप्राइज पार्टी के लिए तैयारियां करो। ओके ओके, बाय। वाओ, ये पार्टी बेस्ट रहेगी मॉम और सिड को मिलवाने के लिए। मॉम की सरप्राइज पार्टी में उन्हीं को एक बड़ा सरप्राइज। एक्सक्यूज मी, मेरी चाबी मेरे कमरे में रह गई है, रूम नंबर 226। तो अगर आपके पास मास्टर की हो तो जरा उसे खोल दीजिए, और इट्स अ बिग मेस, प्लीज क्लियर इट। थैंक्स सो मच। एक्सक्यूज मी प्रशांत। यस सर। प्रशांत कुलकर्नी? या सेंट स्टीफन्स कॉन्वेंट, 2005 बैच। अबे मैं सिड, सिड कुकरेजा, सिड खुराना। सिड तू? कैसा है भाई? कैसा है कि बच्चे, तू है कहाँ? इंडिया आने के बाद तुझे इतना ढूंढा है, मैंने मिला ही नहीं। और तूने मैनेजमेंट करी थी ना, यहाँ क्या कर रहा है? हाउसकीपिंग में? ओ भाईजान, मुंह क्यों लटका लिया आपने, बता भी दो। या सिड, डैड की डेथ हो गई तो फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो दादर वाला घर था ना, वो भी छोड़ना पड़ा यार, बस इसलिए। प्रशांत ऐसे दुखी नहीं होते यार, वो जाते हैं ऐसे हादसे जिंदगी में। तू फाइटर है यार, तू बॉन्ड है मेरा, ऐसे दिल छोटा करेगा कैसे चलेगा? इतने सालों के बाद मिले, चल कॉफी पिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं भी ड्यूटी पे हूँ, शिफ्ट की बात। तेरी ड्यूटी और तेरी शिफ्ट की ऐसी की तैसी, इतने सालों के बाद मिले, चल कॉफी पिलाता हूँ, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। ऑफिस से, एक सेकेंड। हेलो, या हाउसकीपिंग? यस मैम। आप लोगों की सुबह शायद अभी हुई है, 10 मिनट पहले फोन किया था। कैसी सर्विस है? आई एम रियली सॉरी मैम। मैम यू डोंट नीड टू बी। ये लीजिए, इसे लेकर जाओ, आयन करो और वापस लेकर। मैम बस एक मिनट, मैं लॉन्ड्री से किसी को आपके पास भेजता हूँ। शायद तुमने सुना नहीं, ये सारी तुम लेकर जाओगे, आयन करवाओगे और वापस लेकर आओगे। और मैम ये मेरा तुम डिपार्टमेंट नहीं होगा, राइट? व्हाट अ ब्लडी मिडिल क्लास मेंटालिटी। बस काम ना करना पड़े, डालते रहो और दूसरों पे अपना काम डालते रहो, बस। सॉरी मैडम, आप गलत। मैं गलत नहीं हूँ, गलती तुमसे हुई। जब तुम्हारी कंप्लेन करूंगी तब तुम्हें जाकर समझ आएगा। आंटी जी, प्रॉब्लम क्या है आपकी, दिक्कत क्या है? जब आपसे मिलता हूँ आप किसी ना किसी पे तोप चला रही होती हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पैदा हुई थी क्या? और तुम्हें तो यहाँ आना बहुत जरूरी था, हर मिडिल क्लास गरीब कामचोर लोगों के रॉबिनहुड जो हो तो। लेकिन आज मेरे सामने मत पड़ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। ओके, ये लो सारी, लो इस्ते करा के लेकर। एक मिनट आंटी जी, रख लीजिए, ये हाउसकीपिंग में, लॉन्ड्री में नहीं। आपकी साड़ी लेके ये नहीं जाएगा। अब आप बताइए कि आप क्या कर लेंगे। और तुम कौन हो? मैं कंज्यूमर हूँ आंटी जी, बिल्कुल आपकी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानता हूं कि हाउसकीपिंग का क्या काम होता है और लॉन्ड्री का क्या काम होता है। मैं कर लूंगा ना। तुझे पता नहीं है भाई कौन है ये? अरे हिटलर की नानी माँ है।
वो भाई साहब तो निपट गए, इन्हें यहां छोड़ गए काम पूरा करने के लिए। एक सेकंड। What are you? How dare you? आंटी जी, इन भाई साहब से मिलिए, इसी को आयन कहते हैं। आपने शायद जिंदगी में इसे इस्तेमाल नहीं किया होगा, कपड़े प्रेस किए जाते हैं इसे। इसे लीजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, अपनी साड़ी खुद प्रेस कीजिए। लीजिए लीजिए, अरे लीजिए ना, शर्मा क्यों रही है? और तू चल भाई, कॉफी पिलाता हूं तुझे। अरे आंटी संभाल लेंगी, कर लेंगी प्रेस, है कि नहीं? चल 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 चल, तू मेरे साथ चल। आंटी जी हो जाएगा ना, या करूं मदद? अगली बार मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं उसे। Disgusting. One more. जल्दी। Take three. Take nine. एक नंबर 22। एक्शन। हाँ। कट। सेट पे फोन कौन ऑन करके आया? बाहर निकालो उसको। इट्स माय फोन। हेलो, फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? सुनो, तुम लोग जल्दी से घर वापस आ जाओ, डीडी ने हमें नासिक बुलाया है। जल्दी से, अगर तुम लोग घर नहीं आए ना तो डीडी घर से निकाल देगी। शक्तिया, क्या हुआ? डीडी ने तुरंत नासिक बुलाया है, फटाक घर से निकाल देगी। होल्ड सर, छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, घर जाना है, इमरजेंसी, डीडी कॉल। मैडम आप ना परफेक्ट चुड़ैल है। थैंक यू, परफेक्ट बोला मुझे। सुबह से एक भी शॉट नहीं हुआ और ऊपर से आप छुट्टी मांग रही हैं। मैं आपको अपनी इस फिल्म से परमानेंटली छुट्टी दे रहा हूं। सुबह से जूस पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अब आपका जही बनता है। दफा हो जाओ मेरी नजर। रेशन पैसे मिल गए, दफा हो जाओ। दिल सारी चाय रेशन पैसे मिल गए, चलते हैं। जिसकी सरप्राइज सगाई के लिए तूने हमें मुंबई से नासिक बुलाया है, वो रोशनी है कहाँ? आ रही है, तैयार हो रही है। दीदी के आशीर्वाद से आ गई वो। नानी, बबलू चाचू, आप सब यहाँ? What a surprise! हाय। मेरे बाद ना तू ही सबसे सुंदर लग रही है। Lovely surprise, mom. Thank you so much. I loved it. Oh, रेशम चाची। पर्म से सीधा स्ट्रेट नहीं, हाउ कम? ऑफ कोर्स, पर्म तो बदलना ही था ना, वो बाल लेके यहाँ आती क्या? पर वैसे भी फटाफट आना था तो पर्म से स्ट्रेट करवा दिए, अच्छे लग रहे ना अब तुम्हारी सग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तू कहाँ पर्म और स्ट्रेटनिंग में फंस गई? चल इधर आ, आ खास काम है तेरा। क्या हुआ सेक्सी, कोई खुफिया प्लान है क्या? खुफिया प्लान ही है ना, तेरा वो हॉट वाला बॉयफ्रेंड कहाँ है? नानी बस 5 मिनट में आता ही होगा। ओके ओके, मैं बात करती हूँ। ओके। फास्ट सिद्धार्थ, हमने सरप्राइज पार्टी रखी है, मेरी पूरी फैमिली भी आ गई है मुंबई से, एक बार में सबसे मिल लोगे। ओह गॉड, पूरा परिवार आया अपने जमाई का स्वागत करने। मजा नहीं आ रहा,
अपनी होने वाली सास से मिलने जा रहा हूँ, कुछ ढंग का पहनना पड़ेगा। रोशनी ने भी फंसा दिया यार। 10 मिनट में मिलता हूँ। माँ, मिस्टर मेहता और उनका बेटा क्रिश। हेलो, यू आर वेलकम। मॉम ने क्रिश और उसके डैड को क्यों बुलाया है यहाँ? हेलो डियर। हेलो। मेरा छोटा देवर बबलू। हाय। हाय। और ये केसर, मेरा बड़ा देवर और उनकी वाइफ रेशम। हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते। ओ, नमस्ते। नमस्ते। मॉम, एक्सक्यूज मी। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? अरे, सब लोगों के बीच में से मुझे ऐसे निकाल के, इट्स बैड मैनर्स, क्या सोचेंगे सब लोग? मॉम पर। अच्छा चल, नॉट राइट नाउ, कम चल। रोशनी बेटा, हमें सब पता है आपने अपनी मामा से क्या पूछा है। मिस्टर मेहता, आजकल के यंगस्टर्स को सिर्फ लगता है कि वो लोग स्मार्ट है पर होते नहीं है। May I? Of course, please. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सब लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ। भाई, बच्चों की खुशी में ही हम माँ बाप की खुशी है, इसीलिए मैंने और डीडी ने ये फैसला किया कि मेरा बेटा क्रिश मेहता और डीडी की बेटी रोशनी पटेल की सगाई आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहाँ नासिक विन्यास में हो रही है। वेलकम टू द फैमिली बेटा। Princess, will you be my queen? It's the romantics. मुझसे शादी करोगी? Come on, Roshni. तुम्हारी मॉम कब से इस दिन का इंतजार कर रही है? कैसा लगा सरप्राइज? डायमंड्स में डील करने वालों के लिए एक खास हीरा, स्पेशल एडिशन, स्पेशली मेड फ्रॉम एंटवर्प। For you, my love. क्या बदतमीजी है, इतनी महंगी रिंगे में और भाई, मैं महंगी चीजों में तोली नहीं जा सकती। मिस्टर क्रिश मेहता, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे बदतमीज और बेहुदा इंसान से शादी करूंगी, जिसे अपने घमंड के आवे का कुछ दिखाई भी नहीं देता,
जो प्यार भी पैसे में तोलता है, जिसके लिए इमोशंस की कोई कदर नहीं है। रोशनी, ये क्या मजाक है? सबके सामने तुम मजाक तो आपने मेरा बना दिया और मुझसे पूछ रही है। आपको इन लोगों को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, प्लीज। रोशनी, मिस्टर मेहता को मैंने यहाँ बुलाया था और क्रिश के साथ तुम्हारी सगाई भी मैंने ही फिक्स की थी, क्योंकि एक माँ होने के नाते मेरा इतना हक बनता है कि मैं अपनी बेटी की लाइफ के लिए सही डिसीजंस ले सकूं। मॉम, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मतलब आप डीडी की तरह क्यों साउंड कर रही हैं? आप तो मेरी मॉम हो ना, मेरी। तो फिर आप डीडी के फैसले मेरे ऊपर क्यों थोप रही हैं? दीदी तो हर किसी को अपनी कठपुतली बना के रखना चाहती है ना, लेकिन मेरी मॉम ऐसी नहीं है। मॉम इनफैक्ट कोई भी माँ ऐसी नहीं हो सकती जो अपनी बेटी से बिना पूछे, बिना उसकी पसंद जाने उसकी सगाई फिक्स कर दी। यू कांट बी माई मॉम। कोई माँ ऐसा नहीं करती है। नानी, नानी प्लीज अपनी बेटी को वापस बुलाइए ना। ये तो फिर से डीडी की तरह बात कर रही है। क्यों सीडियट से मेरी शादी कैसे करा सकती है? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है या नहीं? और ये अपना इमोशनल ड्रामा फिर से मत शुरू करना रोशनी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी फिक्स करने की? डीडी, बेटा, लेकिन तूने तो मुझे फोन में बताया था कि नानी, डोंट टेल मी कि आप भी लोगों के साथ मिली हुई। नानी, आपको तो पता है ना मुझे इस जैसे रईसानों से कितनी नफरत है। लेकिन मुझे तो लगा क्या लगा? अगर लगा था, कंफ्यूजन था, तो इन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे पूछ सकते थे ना। आपने पूछा, नानी आपने पूछा कि रोशनी बेटा तू क्रिश से शादी करेगी? उसके साथ खुश रह पाएगी? बेटा क्या तुझे वो पसंद भी है? क्यों आपने फिर से अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया? क्यों? सब झूठे हो आप लोग, सब के सब झूठे। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रोशनी, दीदी, मैंने आप जैसी मां अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। पहले अपने घर को ठीक करो, बाद में अपनी बेटी का घर बसाना। It's all over, दीदी, it's all over. Come on, let's go.
मिस्टर मेहता को मैंने यहाँ बुलाया था और क्रिश के साथ तुम्हारी सगाई भी मैंने ही फिक्स की थी, क्योंकि एक माँ होने के नाते मेरा इतना हक बनता है कि मैं अपनी बेटी की लाइफ के लिए सही डिसीजंस ले सकूं। रोशनी क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? क्रिश, उस क्रिश की तुम्हें सिद्धार्थ, मेरी मॉम ने क्रिश के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी।